तकलीफ तारीफ तकल्लुफ ताने कुछ लोगों की बातों से सीख गए, कुछ लोग किसी ने पैसे देकर कमाया हुनर, कुछ हम जैसे अपने हालातों से सीख गए। फनकार, कलमकार, गायककार, कहानीकार या एक कलाकार हो, अपनी कला से तुम देते अपने सपनों को आकार हो। तो फिर सुनो, एक ऐसा समय आएगा जब तुमसे पूछा जाएगा करना क्या है, चाहते क्या हो, बनना क्या है। ऐसे न जाने कितने सवालों से तुम घिरे खड़े होगे, अपनी ही सोच में तुम डूबे पड़े होगे। ऐसा नहीं है कि इन सवालों का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा, पर जो जवाब तुम्हारे पास होगा वो वहाँ खड़े लोगों की नज़रों में सही नहीं होगा। तो तुम थोड़ी हिम्मत जुटाना और कह देना कि तुम्हें अपनी कविताएं किससे लोगों को सुनाना है, सबको अलग अलग तरीकों से हंसाना है। कह देना कि मुझे नहीं बनना सब जैसा, क्योंकि यार मुझे तो बनना है एक कलाकार। तमाशा एक मूवी है, तमाशा तो कई बार देखी होगी ना सबने। तो कह देना कि जिस रेस में सब भाग रहे हैं उस रेस में तुम्हें नहीं भागना, तुम्हारी रेस अलग है और तुम्हें वहीं जाना है। क्योंकि यार अब बाइक रेस में जहाँ छोटी छोटी गलियों से होकर निकलना हो, वहाँ तुम फरारी को भगाओगे तो हार ही जाओगे। तो कह देना कि मैं फरारी हूँ, फरारी की ही रेस में जीत पाऊँगा। अगर बाइक रेस में गया ना तो मुमकिन है कि मैं हार जाऊँगा। कह देना कि मुझे अपनी कहानी खुद लिखना है, मुझे नहीं बनना बाकी सब जैसा, क्योंकि यार मुझे तो बनना है एक कलाकार। मैं जानती हूँ ये सब कह देने भर से तुम्हारी बातों को कोई नहीं मानेगा। तुम्हारी बातों भर से तुम्हारी कला को कोई नहीं पहचानेगा। ये सब सुनकर वहाँ कोई भी चुप नहीं रहेगा। वहाँ खड़ा हर एक शख्स तुम्हें पागल, बेवकूफ़, सरफरा और न जाने क्या क्या कहेगा। हो सकता है तुम्हारे घर वाले भी इन बातों पर ताने कसेंगे और ये भी हो सकता है कि थ्री इडियट्स के फरहान के अब्बा की तरह तुम्हारे अब्बा भी कह दें कि ये सब करने पर लोग हंसेंगे। पर तुम्हें ना यार अपनी कला के खातिर लड़ना होगा। लोग क्या कहेंगे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। वैसे तुम्हारी फैमिली की चिंता भी सही है। एक कलाकार के काम में बाकी कामों जितना पैसा नहीं है। पर तुम कह देना कि जैसे अभी ज़िंदगी काट रहे हैं वैसे ही तब भी काट लेंगे। पैसे भले ही कम होंगे पर खुशियाँ तो ज़्यादा होंगी, उनको साथ में मिलकर बाँट लेंगे। ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है कहना उतना आसान नहीं होगा, पर अगर नहीं कहा ना तो मन हमेशा यूं ही परेशान होगा। ये सब हिम्मत करके कह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार कलाकार बनने में ही तुम्हारी ज़िंदगी पूरी है। पर हाँ एक बात याद रखना, हो सकता है कि तुम इतनी हिम्मत दिखा के कोशिश करने के बाद भी नाकाम हो जाओ। मैं मानती हूँ कि उस नाकामयाबी से तुम्हें बहुत दर्द होगा, पर अगर बिना कोशिश करे ही तुमने खुद को हारा हुआ मान लिया ना तो तुम्हें ज़िंदगी भर पछतावा रहेगा कि अगर तुम कोशिश करते, हिम्मत दिखाते तो शायद जीत जाते। और अब यार हर पत्थर जो तुम मारो उससे सफलता का फल टूट ही जाए ज़रूरी तो नहीं। अब यार हर पत्थर जो तुम मारो उससे सफलता का फल टूट ही जाए ज़रूरी तो नहीं। कुछ पत्थर हम कोशिश करने के लिए भी मारते हैं, अब हर कोशिश पूरी हो ही जाए ज़रूरी तो नहीं। और फिर रणबीर सिंह ने भी गली बॉय में कहा है कि चलते चलते एक मोड़ आता है सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग। कोई दीवाना ही होता है जो उधर जाता है। तो यार देखो अब कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो मोड़ हमारी ज़िंदगी में भी आता है। अब हमें उस मोड़ पर मुड़ना है या रुक जाना है ये तो बस हमारे ही ऊपर निर्भर करता है। तुम हो या मैं हम सभी एक ही कश्ती पर सवार हैं। हम सभी देना चाहते अपनी कला से अपने कल को आकार हैं। हम सभी बनना चाहते एक फनकार, कलमकार, गायककार, कहानीकार और एक शब्द में कहा जाए तो एक कलाकार है। शुक्रिया। देखो तुमने हिम्मत करके कह दिया, पर तुम्हारी लाइफ नहीं चाहती तुम्हें कलाकार बनाना।
मतलब नहीं हो पा रहा तुम्हारी लाइफ से, तो फिर उसके लिए लिखा था, जब जिंदगी ने तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया हो, जब जिंदगी ने तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया हो जहाँ आगे जाना कहाँ है तुम्हें भी ना पता हो, जब जिंदगी ने तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा किया हो जहाँ आगे जाना कहाँ है तुम्हें भी ना पता हो, तब तुम वहाँ जाना, तब तुम वहाँ जाना जहाँ तुम्हें तुम्हारी ये ज़िंदगी ले जा रही हो, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ना जो तुमने तुम्हारे लिए सोचा था वो नहीं हो, पर शायद उससे भी अच्छा तुम्हारी ज़िंदगी ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा हो। ये जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी हर रोज़ हरा रही है, ये जो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी हर रोज़ हरा रही है, हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी आने वाली बड़ी जीत के लिए चलना सिखा रही हो। शुक्रिया।